नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू के बारे में। तंबाकू आमतौर पर लोग इतना ज्यादा ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक प्रकार का लोगों का फैशन बन गया है। किसी को भी देख रहे हैं तंबाकू खा रहे हैं, स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इतना ज्यादा उत्साहित हो गए हैं इसके पीछे, लेकिन उन्हें नहीं पता है, उन्हें कोई बताता ही नहीं है किस बीमारी से, इसको खाने से क्या क्या बीमारी होता है, क्या क्या हमारे शरीर में नुकसान होता है। बस उसके पीछे छोटा सा लिख दिया जाता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। लेकिन केवल कैंसर ही नहीं होता है, क्या क्या और भी चीजें होती हैं, सारी बात आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक मुद्दे के बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को बताऊंगा कि इतना ज्यादा लोग हमारे देश में 90% लोग तंबाकू के पीछे इतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और उसको खाने लगते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं। इसका जो मेन कारण होता है वो होता है लोग सीरीज में, मूवीज में एंड अदर जहां पर देख रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी भी चीज का टेंशन हो गया तो वो तुरंत दिखाते हैं एल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज वो लोग वहां पर देख रहे हैं और वही सारी चीजों को देखते हुए अपने रियल लाइफ में वो करने लगते हैं। जब माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ा सा मान लीजिए गुस्सा आ गया या फिर किसी भी चीज का टेंशन है, तो उनको वही लगता है कि मूवीज में, सीरीज में ये सारी चीज हम देखे हैं कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो एल्कोहल का इस्तेमाल करने लगते हैं, वो तंबाकू का इस्तेमाल करने लगते हैं, वो स्मोकिंग करने लगते हैं। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि सीरीज हो गया, मूवीज हो गया एंड अदर कहीं पर भी जहाँ पर वो लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्रकार का उनका प्रचार जान लीजिए करते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने बताया है कि इसको खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, वहां पर उस जगह पर कभी भी कोई भी नहीं बताता है कि इसके इतने सारे नुकसान होते हैं। हमारे देश में, विश्व में देखा गया है कि कैंसर लगभग 2.5 करोड़ मरीज हो गए हैं, जिनकी संख्या देखा गया है कि 2025 तक 3 करोड़ होने तक की इनकी संभावना हो गया है। और ये तंबाकू से होने वाले कैंसर का आंकड़ा है। बताइए हमारे इस देश में 2.5 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान है और इससे इनकी डेथ भी हो जाता है। और आप सभी लोगों को पता है अभी तक कैंसर बीमारी का कोई ऐसा खास नहीं इलाज बन गया है कि जो पूरी तरह से कैंसर बीमारी को ठीक कर दिया जा सके। कैंसर एक ऐसा बीमारी होता है, अगर किसी भी पार्ट में हो जाता है या तो उस पार्ट को कट करके निकाल दिया जाता है या फिर धीरे धीरे करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी होता है जो कि अनकंट्रोल्ड डिजीज होता है, जो कि धीरे धीरे करके हमारे पूरे शरीर में फैलता हुआ चला जाता है। और इस बीमारी से मरीज कितना भी हेल्दी रहे, कितना भी स्वस्थ रहे, वो एकदम कांटे की तरह पतला हो जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है और लास्ट में उसका डेथ हो जाता है। इतना सारी बात आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को और कुछ नहीं पता है। बस आप लोगों को यही पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, यही पता है क्योंकि वही छोटे पुड़िये पे लिखा रहता है। और इसके बारे में आज आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा कि तंबाकू खाने से केवल कैंसर ही नहीं होता है, तंबाकू खाने से हृदय का भी रोग होता है, जो लोगों का कहते हैं हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसका भी कहीं ना कहीं यही कारण होता है ज्यादा तंबाकू का इस्तेमाल करना। ज्यादा तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है हार्ट का ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी बढ़ जाता है, फेफड़े का कैंसर हो जाना देखा जाता है, इसी के साथ साथ देखा जाता है आंखों के पास कैंसर हो जाना, लीवर और मुंह का कैंसर हो जाना, दांत खराब होने लगते हैं, दांत एकदम काले होने लगते हैं, दांत कमजोर होकर के टूटने लगते हैं, इतना कंडीशन भी खराब होने लगता है, दांत देखने लायक नहीं रह जाता है, लेकिन तब भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी देखा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जो हमेशा तंबाकू का इस्तेमाल करते हुए दिखाते हैं अपने पर्दे पर, लेकिन कभी भी देखा है उनका दांत खराब हुआ है? क्यों नहीं खराब हुआ है? क्योंकि वो हमेशा नहीं इस्तेमाल करते, उनको ऐड करने का रुपये मिलता है, इसीलिए वो ऐड करके चले जाते हैं। और आप लोगों को हमेशा लगता है कि वो लोग ऐसे ही खाते होंगे और इसीलिए आप डिप्रेशन में, टेंशन में या फिर अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उनका देख लीजिए दांत हो गया या फिर ये सारे प्रॉब्लम कुछ नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि वो ऐड करके चले जाते हैं और जनता उसी चीज़ का इस्तेमाल करता रहता है। हमारे भारत में टोबैको दूसरे नंबर पर एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा वो बिकता है, सबसे ज्यादा बनता है और हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकता है। ये टोबैको ऐसा प्रोडक्ट हमारे देश में बन गया है कि लोग इतना ज्यादा उसको खरीद रहे हैं, खा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट दूसरे नंबर पर आ गया है। कितना ज्यादा बन रहा है और इससे ज्यादा बिक रहा है, कितना बन रहा है, कितना बिक रहा है, और लोग इससे परेशान भी हैं लेकिन तब भी खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें केवल पता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि आंखों का कैंसर होना, लीवर खराब हो जाना, मुंह का कैंसर हो जाना, दांत खराब हो जाना, बाल कमजोर हो जाना। आप देख रहे हैं लोगों का बाल उड़ जा रहा है पूरा, क्यों उड़ जा रहा है बाल?
कभी सोचा है? यही सारे कारण होते हैं। जब हमारा पेट ही नहीं सही रहेगा तो बाल रुकेंगे, कुछ नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये तंबाकू हमारे पेट में जाकर के अफेक्ट करता है। और हमारा जब पेट नहीं सही से काम करेगा तो हमारे बाल भी नहीं रहेंगे, ये भी झड़ जाएंगे। तो पेट को सही रखना जरूरी होता है, तो इसकी वजह से हमारे बाल भी कमजोर हो जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगता है। और कोरोना काल में ज्यादातर इस तरह के पेशेंट का ज्यादातर डेथ हुआ है जो लोग ज्यादा तंबाकू का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद मस्तिष्क और मांसपेशियां कमजोर हो जाना, फेफड़े में म्यूकस कोशिकाओं की वृद्धि हो जाना, आंख की रोशनी कमजोर हो जाना जिससे मोतियाबिंद भी हो सकता है, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिकोलाइटिस भी हो सकती है। तंबाकू का सेवन करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही कमजोर हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे शरीर को, हिंदी भाषा में कह सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो कि बाहर के संक्रमण से हमें बचाने का काम करता है। लेकिन हम खुद ही उसको कमजोर कर रहे हैं तो हमारे शरीर को कैसे बचाएगा? नहीं बचाएगा, और हमारा शरीर एकदम कमजोर हो जाएगा, इससे मरीज का डेथ हो जाएगा। अगर आप लोग एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हमारे पास, मैंने 5 सिक्योरिटी गार्ड रख लिया है, ठीक, इसलिए रखा है कि दूसरे लोग हमको मार ना सके, हमारे आसपास तक ना सके, इसीलिए मैंने 5 से 10 सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। लेकिन जब हम खुद अपने सिक्योरिटी गार्ड को मार दूंगा तो दूसरे लोग हमें तुरंत अटैक करेंगे। लेकिन अगर हमारा सिक्योरिटी गार्ड सही रहेगा तो दूसरे लोग डायरेक्ट हमें नहीं मार पाएंगे, पहले हमारे सिक्योरिटी गार्ड से लड़ेंगे और लास्ट में फिर हमारे पास आएंगे। उसी तरीके से हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो कि बाहर के संक्रमण से लड़ने का काम करता है, उनसे हमसे बचाने का काम करता है जिससे हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो सके। लेकिन हम अपने आप खुद ही उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा तो दूसरे बीमारी से कैसे लड़ेगा, वो कैंसर की बीमारी से कैसे लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा, और इसी कारण से मरीज का डेथ हो जाता है। आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का ये वीडियो किस मुद्दे पर था और क्यों बनाया हूँ, ये जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को, इसीलिए सोचा आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये छोटी सी जानकारी दे देता। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।